हरियाणा H9PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। सोनीपत जिले की ADC IAS अंकिता चौधरी के बारे में उनसे जुड़ी कुछ खास बातें आपको बताते हैं। अंकिता चौधरी अपने काम के प्रति कर्मठ, मेहनती, लगनशील हैं, जो सोनीपत के विकास में विशेष भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने UPSC की परीक्षा में 14वीं रैंक प्राप्त कर देश में अपना नाम किया था। UPSC देश की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है। इस परीक्षा को पास करने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, इसके बाद ही इस परीक्षा को पास किया जा सकता है, लेकिन फिर भी इस परीक्षा को कई लोग पास कर लेते हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक IAS अधिकारी के बारे में बताने जा रहे हैं। एक समय ऐसा था जब अंकिता चौधरी माँ की मौत के बाद टूट गई थी, लेकिन फिर उनके पिता ने बेटी का हाथ थामा और हौसला बढ़ाया, जिसका रिजल्ट आज उनकी सफलता है, जो देश की लड़कियों के लिए एक मिसाल है। अंकिता चौधरी के पिता सत्यवान चीनी मिल में अकाउंटेंट हैं और माँ हाउसवाइफ। उनकी 12वीं तक की पढ़ाई रोहतक के स्कूल से हुई। ग्रेजुएशन के लिए उन्होंने दिल्ली के हिंदू कॉलेज में एडमिशन लिया। केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन के दौरान ही उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी का प्लान बनाया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने लगी। मास्टर डिग्री कम्प्लीट होने के बाद वे इस परीक्षा में कड़ी मेहनत करने लगी। अंकिता की तैयारी चल रही थी, इसी बीच एक दिन उनके लिए बुरी खबर आई। उन्हें पता चला कि सड़क हादसे में उनकी माँ की मौत हो गई, तो वे खुद को संभाल नहीं पाई। ऐसा लगा सपने ही बिखर गए, लेकिन इस दौरान उनके पिता ने उनका हौसला बढ़ाया और बेटी को तैयारी करने की प्रेरणा दी। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री पढ़ने वाली अंकिता जब UPSC की तैयारी में जुटी, तो उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ऑप्शनल सब्जेक्ट चुना। साल 2017 में उन्होंने पहली बार एग्जाम दिया, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसमें उनका नाम नहीं था। इससे अंकिता की तैयारी में कोई कमी नहीं आई, बल्कि वे और ज्यादा मेहनत करने लगी। फिर साल 2018 में उन्होंने सेकंड अटेम्प्ट की परीक्षा दी। इस बार उन्होंने न केवल देश की सबसे कठिन परीक्षा पास की, बल्कि टॉपर बनकर सामने आई। अंकिता UPSC की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए कहती हैं कि उन्हें सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, अपनी हॉबी पर भी फोकस करना चाहिए। पढ़ाई के बीच बीच में हॉबी को समय देने से कैंडिडेट्स मेंटली स्ट्रांग होते हैं और उनका दिमाग फ्रेश रहता है। जब पेपर का आखिरी समय आए तब खूब रिविजन करें। चिल्ड्रन हॉस्पिटल सोनीपत NCR का विश्वसनीय एवं हार्ट अटैक OT से युक्त हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे उपलब्ध। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग अरोड़ा व डॉक्टर अनुपमा सेठी अरोड़ा द्वारा संचालित चिल्ड्रन हॉस्पिटल विवेकानंद चौक सोनीपत। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें, ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। AP गर्ल्स पब्लिक स्कूल सापला रोड खरखोदा, स्पेशल नर्सरी विंग, बच्चों के झूले, छोटे बच्चों के खेलने की व्यापक व्यवस्था, आधुनिक स्मार्ट TV, कंप्यूटर लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब व हाईटेक लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफर नर्सरी टू 12th, सभी प्रकार के खेलों की सुविधा। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।